नमस्कार, मेरे जैमिनी राशि के मित्रों, स्वागत है आपका अनिल शर्मा सोनी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपका राशिफल, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल की बात करूंगा कि आखिर इस महीने में आपकी प्रोग्रेस कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपका कारोबार कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हेल्थ की ही बात करते हैं, आपके संबंधों की बात करते हैं। तो जेमिनी यानी कि मर्करी आपको रिप्रेजेंट करते हैं और मर्करी डिवेलिटेड रहेंगे इस महीने में और सूर्य के साथ हैं, साथ ही साथ रेट्रोगेट मोशन में भी हैं। और इनके पास आपकी लगन ही नहीं, आपका प्रोफेशन, आपका सुख स्थान, बहुत सारे हाउसेज इसके साथ आपके जुड़े हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर इस महीने में आप अधिक से अधिक प्लान कर रहे हैं कि आप एफर्ट बना रहे हैं जिसमें भाग दौड़ आपकी बहुत होगी, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप टायर्ड फील करेंगे। मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पे कौन चाहता है कि मेरी तरक्की ना हो, तो तरक्की में मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप एफर्ट कम करें, निश्चित तौर पे आप करें, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। सेहत अगर अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा लाभ जो है वो ले पाएंगे। और कुल मिला के मैं कहूँगा कि आप एनर्जी को बनाए रखें, चीजें आप अपनी ओर मोड़ लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। जब संबंधों की बात आती है तो आपके फोर्थ सेकंड हाउस में जो एक्सटेंडेड फैमिली है, दूर के निजी के रिश्तेदार हैं, तो वहां पे राहु है। तो मैं कहूंगा कि आप इस समय किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक छाया आपके संबंधों में आकर बैठ गई है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर भी अगर आप विश्वास करके किसी चीजों को उथल पुथल करने की, अदल बदल करने की, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें आने वाले समय में आपको हानि जो है वो हो सकती है। तो इस चीज का आपने ध्यान पूरी तरह से देना है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके सिबलिंग्स की, तो निश्चित तौर पे आपका थर्ड हाउस जो है सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सिबलिंग की जब बात करता हूं तो सूर्य इस समय अपने 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि वो एफर्ट तो बना रहे हैं लेकिन रिस्क साथ में लिए जा रहे हैं। और अगर आप उसमें किस तरह की सहायता कर रहे हैं, आप लीगली किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी किसी हेल्प में, या आप उनकी जाने अनजाने मदद कर रहे हैं लेकिन बाद में नतीजे शायद आपके अनुकूल ना रहे, और हो सकता है कि वो आपको अच्छा भी ना समझे, आपके दोस्त आपसे नाराज हो सकते हैं, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं, और आप वैसे ही हमेशा की तरह योग से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए रहते हैं, तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं। तो मैं कहूंगा कि इस समय के दौरान आपको थोड़ा सावधान रहना होगा संबंधों के ऊपर। जैसे मैंने ही पहले कहा कि संबंधों के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करना कहीं ना कहीं रिस्कफुल हो सकता है। वहीं अगर मैं आपके फोर्थ हाउस की बात करूं, जहां पे चंद्रमा विराजमान है और बुध भी फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो यहां पे मुझे माँ समान औरतें, कई बार घर में बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं, उनका एक साथ कहीं ना कहीं उनकी एक ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिखाई देती है, तो उसका आप पूरा लाभ जो है इस समय ले सकते हैं। और वैसे भी देखा गया कि माँ एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा संबंध है जो अपना सब कुछ लौटाने के बाद भी आपके लिए दुआएं ही मांगती है और आपको तरक्की करते हुए देखना चाहती है। तो कुल मिला के ये रिश्ता आपकी कुंडली में इस महीने में कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपकी संतान की बात करूं, तो संतान, जैसे मैंने पहला कहा कि संतान आप अगर 19 है तो संतान 21 है, और यही बात कई बार आप में एक जैसे कहते हैं ना डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो आपको लगता है कि बच्चे आपके जिद्दी हैं, आपकी बात नहीं मानते, वो आपको सुन रहे होते हैं और वो आपको प्राउड फील कराना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं कि लेट मी अलाउ कि मैं कुछ कर पाऊँ, मुझे कुछ टाइम दीजिए, प्रूव माई सेल्फ। तो मुझे लगता है कि जी हाँ, आपको इस समय इस बात को लेके चिंतित ना होके उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, उनको थोड़ा जगह दें, थोड़ा समय दें, ताकि वो इस बात को आपके सामने प्रूव कर सके। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो इस और आगे बढ़ चुके हैं और कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाँ कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप प्राउड फील कर रहे हैं। अगर आप संतान प्राप्ति के करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी फैमिली, तो ये बहुत ही उत्तम समय है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक उत्तम समय ये माना जा सकता है। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं आप लोगों की, वो एक बेहतरीन स्थितियाँ बनी हुई हैं संतान से जुड़े हुए मसलों को लेकर, तो बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं अगर मैं आपके पर्सनल रिलेशन यानी कि आपके मैरिटल रिलेशनशिप की बात करूँ, तो जी हाँ, निश्चित तौर पर आपका साथी इस समय आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है। शनि और मंगल एकदम तैयार बैठे हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ, जैसे कहते हैं ना, एक समर्पण के साथ। लेकिन ये समर्पण होगा कैसे कि अगर आप भी उनकी बात मानेंगे, जैसे कहते हैं इस हाथ ले और इस हाथ दे, कारण कि मंगल सिक्स हाउस का आपके सेवंथ हाउस में बैठा है, तो ईगो तो नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन अगर आपसी संबंध अच्छे हों, आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, तो ये महीना आपका रिलेशनशिप के मामले एक बेहतरीन महीना हो सकता है। रिलेशनशिप में है और शादी करना चाहते हैं, आप आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, आज जो कल करे सो आज कर, आप आज करे सो अब, तो आप इस बात को आगे लेके बढ़ें।
और आप प्रपोज कर दें, आप अपने दिल का हाल सुनाएं, तो निश्चित तौर पे ये बात जो है आपकी अफेयर की वो आगे बढ़ जाएगी, उसमें बात बनेगी। अगर इस समय के दौरान कोई आपको इंट्रोड्यूस करता है, जी हाँ, थोड़ा समय दीजिए और आगे बात बढ़ाइए, मिलिए, बैठिए, बात करिए, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने की ओर आगे समय जो है वो बढ़ चुका है। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि संबंधों में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत कुछ लिए बैठी हैं, वहीं जो आपके फादर हैं उनकी ओर से भी आपको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट जो है वो मिल सकती है, अचानक से कुछ उनकी ओर से आपको बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे बिगनिंग मैंने कहा कि सेकंड हाउस में राहु है, तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पर कई बार आंखें बंद करनी पड़ती हैं, या ये कहें कि उनको थोड़ा समय देना पड़ता है, उनको उनका मान बनता हुआ मान सम्मान हमें देना पड़ता है। तो ये आपसे बेहतर कौन जानता है, एनर्जी से भरे हुए आप रिस्क लेने वाले इंसान हैं, तो कई बार आप ऐसा कर लेते हैं, बस थोड़ा सावधानी जो रखिए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं अब मैं बात करूँगा आपके घर और गाड़ी की, आप पूछते हैं जी क्या हमें गाड़ी मिल जाएगी, क्या मुझे इस गाड़ी से बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, कौन सी गाड़ी लूँ, कौन से नंबर की गाड़ी लूँ, क्या मैं किसी दूसरी जगह जा सकता हूँ, ये बहुत सारे सवाल आप मुझसे पूछते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जी हाँ बिल्कुल, चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में बुध उनको देख रहे हैं, तो एक अच्छा घर आपको मिल सकता है। आप घर के दीवारों को रंग करना चाहते हैं, वॉलपेपर नया लगाना चाहते हैं, घर के कर्टन बदलना चाहते हैं, एक नई फील लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं रिलैक्स होना, आके बैठ के आपकी आंखों को आपके मन को एक शांति मिले, निश्चित तौर पे आप इसके हकदार हैं, आप मेहनत करते हैं, क्यों ना आपको जैसा मिले। और ये समय ये महीना इसी बात की ओर इंगित कर रहा है, तो तैयार हो जाइए। अगर आप ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको अंजाम दीजिए, यूं ही बैठकर विचार करते रहने से उसका सुकून जो है वो आपको नहीं मिलेगा। कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी स्थिति घर के अंदर के बदलाव की ओर दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से उलझे हुए हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें आपकी बात बनेगी और आस्किंग प्राइस जो है वो आपको मिल सकती है। अगर आप नियर बाई टाउन में कहीं चेंज करना चाहते हैं, एक घर से दूसरे घर को बदलना चाहते हैं, जी हाँ, एक उत्तम समय आप इस महीने में इसको कर लें, होने दें, बात बन जाएगी। और अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बड़ी आज के युग की गाड़ी आपको मिल जाएगी, उसका आप पूर्ण लाभ लेंगे। या ये कहें कि आपकी गाड़ी में घोड़े जो हैं वो लगे हुए, यानी कि घोड़े की रफ्तार से भी आगे चल सके जो गाड़ी, ऐसी गाड़ी आप करें, लेकिन स्पीडिंग का आपको ध्यान रखना है भाई, नई गाड़ी में जोश में कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ फाइन आदि भी आ जाए, तो थोड़ा ध्यान साथ में रखना होता है। तो कुल मिला के ये प्रॉपर्टी और ये सब मैटर जो है कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है, इसमें आप आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये समय उत्तम है, क्योंकि आपका आखिरी में सवाल होगा कि आपने बदलाव दे दिया, रंग रोगन दे दिया, अगर हम तो खरीदना चाहते हैं, जी हाँ, आप खरीद भी सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये महीना बहुत 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 अच्छा है। अंत में ये कहूँगा कि जब मैं चीज़ों को कहता हूँ अच्छा है या बुरा है, तो इसका आपकी जन्म कुंडली के साथ भी बहुत संबंध, गहरा संबंध होता है। अब आपकी अपनी जन्म कुंडली यानी कि आपका अपना पर्सनल बर्थ चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। मान लो यहाँ आप वर्तमान में ग्रहों की स्थिति में सब कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस का कारक ग्रह है या कोई ऐसा मैलिफिक ग्रह उसके साथ संबंध बना रहा हो, तो आपका ये जो डिसीजन है वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मशवरा लेना चाहिए, यानी कि आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा YouTube के माध्यम से, आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं, और जो भी सही जानकारी हो आपकी कुंडली के हिसाब से होगी, मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करूंगा। अब बात आ जाती है कि जिस सारी चीज़ें आएंगी, कैसे भाई अनिल जी आपने कह दिया आज ये कर लो वो कर लो, पैसे कहाँ से आएंगे, ये बहुत बड़ा एक मसला आ जाता है कि बिना पैसे के कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और जहाँ सेकंड हाउस की जब बात करता हूँ, तो वहाँ पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, वहीं इलेवंथ हाउस में वीनस बैठे हुए हैं जो कि अच्छी स्थिति में है, उनका एक अच्छा जुगाड़ जो है बना हुआ है। टेंथ हाउस में सूर्य बुध का एक अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन बुध वहाँ लग्नेश होकर डिवेलिटेटर बैठे हुए हैं, एक थोड़ी सी हल्की सी चिंता है, उसके बाद सूर्य भी आगे बढ़ रहे हैं लाभ की ओर। तो मैं ये कहूँगा कि वर्तमान की स्थितियाँ, जिसमें मैंने बिगनिंग में कहा कि आप लाभ बनाने की, प्रॉफिट बनाने की, सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जी हाँ, निश्चित तौर पर ये जो स्थितियाँ हैं वो आपको बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय के दौरान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको नया वेंचर, नई डील, नया बिजनेस डील जो है वो साइन करने का, उसमें जाने का अवसर मिल सकता है, उसके माध्यम से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कुल मिला के एक सेटिस्फेक्शन मैं कहीं ना कहीं जहाँ देख रहा हूँ, तो ये सेटिस्फेक्शन अगर है और इससे अगर आपको लाभ हो सकता है, तो फिर क्यों ना आप आगे बढ़ें। और इस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इनके ऊपर विचार करके और फाइनली आपको सिग्नेचर करने, क्योंकि राहु जो है इस समय
आपके धन को कहीं ना कहीं खराब भी कर सकता है। यानी खराब करने का मतलब ये होता है कि पहले आपके पैसे लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी ओर आएंगे, लेकिन वो आएंगे ये बात पक्की है। लेकिन अगर इसी विश्वास में आपने सब कुछ कर दिया कि आएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि यह स्थिति आपको परेशान भी कर सकती है, क्योंकि राहु अपनी चाल से वाज नहीं आएगा। तो हर चीज को, टर्म एंड कंडीशन को आप अच्छी तरह से देख लें। तो कुल मिला के यात्राओं का हल्का फुल्का सिलसिला तो रहेगा ही रहेगा, जो हमेशा आप कहते हैं शॉर्ट जर्नी, तो आपकी जिंदगी में कभी कभी खत्म होंगी नहीं, वो आप करेंगे। लेकिन कुल मिला के स्थितियाँ इस महीने में आपकी फेवर में बनी रहेंगी। जो लोग एजुकेशन में है, फाइनली कहना चाहूँगा कि जो लोग एजुकेशन में बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, और थोड़ा अगर और प्रयास करेंगे तो आप अपना 100% दे पाएंगे और उसका पूरा लाभ जो है वो आपको मिलेगा। कुल मिला के मंथ ऑफ अप्रैल जेमिनी राशि वालों के लिए एक बेहतरीन महीना साबित होने वाला है। इसका पूर्ण लाभ आप लोग लेने वाले हैं। जैसे जैसे भी आपकी इच्छाएँ हैं, उस हिसाब से आपको फल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस विश्वास किसी के ऊपर करते समय थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। उपाय के रूप में ये कहूंगा कि प्रिकॉशन यही है कि आप सावधान रहें, किसी के ऊपर आंखें बंद कर विश्वास ना करें, और अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को, जो भी, चाहे वो जीवन साथी है चाहे वो बिजनेस पार्टनर, उसको पूरा रिस्पेक्ट दें, उसका मान करें और उसको एहसास दिलाएं कि आप उनकी वैल्यू करते हैं। यही उपाय आपको इस पूरे महीने में सक्सेस देगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आपसे, और जो है कहते हैं ना, मुझे भी कुछ चाहिए तो मुझे एक बल मिले कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करते हैं। और कहूँगा और मिलूँगा आपसे आने वाले महीने में आपकी राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।